अब नहीं जग रहा हूँ, बहुत बहुत थक गया हूँ। घर पे जाके भी कोई आराम नहीं। जाके घर पे इन लकड़ियों को कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा, फिर भैया बाजार ले जाएंगे इन्हें। बुद्धू, इतना देर क्यों हुआ? थोड़ा देर हो गया भैया, बहुत दूर से आ रहा था ना, थक गया इसीलिए थोड़ा आराम कर रहा था। ठीक है, इन सब का जल्दी से काट दो। ठीक है, क्या हुआ, जल्दी करो भैया। क्या हुआ? हाँ, बोल रहा हूँ कि भैया आज आप लकड़ी काट दीजिए, हम बाजार में जाके बेच देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, तो छोटा है ना, तो बेच नहीं पाएगा, तुझे ठग लेंगे सब। फटाफट बांध दे इनको, मैं बाजार ले जाऊंगा बेचने। आज मैं नहीं काट पाऊंगा लकड़ी भैया, मैं बहुत थक गया हूँ। ओए, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, बड़ा की बात सुनते हैं, इनकार नहीं करते हैं। तुझे पता नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही सुन। ठीक है भैया, ठीक है। अब इन लकड़ियों को बांध देता हूँ। बुद्धू, मैं चलता हूँ। भैया, मुझे बहुत भूख लगा है, जल्दी बाजार से कुछ लेके आना। ठीक है, पहले इन लकड़ियों को तो बेचने दे, उसके बाद पैसे होंगे तभी तो लाएंगे ना। भूख के मारे पेट जल रहा है, सहा नहीं जा रहा है। क्या स्वादिष्ट है, क्या खुशबू है। इसको रख लेता हूँ, छोटे को दे दूंगा। भैया कहाँ है, जल्दी आ, और भूख से भी नहीं जा रही। एक ले जाके क्या करूँगा, इसे भी खा लेता हूँ। पेट और मन दोनों ही भर गए। छोटे के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, अब क्या करूं, क्या जवाब दूंगा मैं उसे। कोई बहाना कर दूंगा, अब मैं घर चलता हूँ। भैया, कुछ लेके आए हो, दो ना, बहुत तेज भूख लगा है, दो। भाई, मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला पाया। जब मैं बाजार जा रहा था तब बहुत बारिश होने लगी, सारी लकड़ी पानी में भीग गई। सारी लकड़ी भीग गई पानी में भैया? हाँ भाई, कुछ नहीं बेच पाया। कैसे मैं कुछ खरीद के लाऊंगा बता। सारी लकड़ी कहाँ गई भैया? वो भीगी हुई लकड़ियों को सर पे लेके घूमू तो फिर सब पानी में फेंक दिया।
अब क्या होगा भैया, मुझे बहुत भूख लगा है, मैं क्या खाऊंगा, मेरी जान निकल रही। इतना खाना खाना क्यों करता है तू? हाँ, मैं भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। हाँ, इतना ही ज्यादा भूख लग रहा है तो जा जंगल में ही जा, जा 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 जा, फल मिले तो खा लेना, वही तोड़ के खाना। ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं जंगल में ही जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, जा जा जा, जल्दी जा जल्दी जा। क्या बोलूँ यार। पूरे जंगल में घूम लिया, कहीं मुझे एक फल का पेड़ नहीं दिखा, क्या खाऊं? भगवान क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो भगवान? क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? मुझे बहुत भूख लगा है। क्यों, घर में खाना नहीं मिला है तुम्हें? जंगल में मैं बहुत सारा लकड़ियाँ काटता था और मेरे भैया बाजार ले जाके बेचते थे और जंगल में बारिश में भिगा देते थे। मैं क्या करूं, भूख लगा है मुझे। और भैया की लकड़ी नहीं बिकी और भैया के पास एक रुपए भी नहीं था कुछ खरीद के लाने के लिए। तुम हंस रही हो, क्यों हंस रही हो मेरी तकलीफ को देख के? तुम बुद्धूराम हो इसीलिए मैं हंस रही हूँ। हाँ? सुनो मेरी बात, तुम्हारा भैया तुम्हें प्रतिदिन झूठ बोलता है। तुम्हारा भैया बाजार में लकड़ी बेचकर बहुत पैसे कमा लेता है और उन्हीं पैसे से मिठाई खा के पेट भर के घर वापिस आ जाता है, समझे? और तुम्हें कहता है कि सारी लकड़ियां बारिश में भींग गई। हाँ, ऐसी बात है, इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ, भैया की सारी बातें विश्वास करता हूँ? हाँ करती तो हो तुम, लेकिन आपको कैसे पता इतना कुछ? मैं सब जानती हूँ। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं कभी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। क्यों, घर क्यों नहीं जाओगे तुम? घर वापस जाऊंगा तो भैया फिर से मुझे बेवकूफ बनाएंगे, लकड़ी कटवाएंगे। तभी तो तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। मैं बेवकूफ हूँ? तब तुम्हारे भैया क्यों, कोई नहीं तुम्हें बेवकूफ बना सकता। हाँ, मुझे तुम लोमड़ी जैसा चालाक बना दो ना। अच्छा ठीक है, रुको। हाँ? जाओ
आज से तुम बुद्धू राम नहीं बुद्धिमान हो, ठीक है? जाओ जाओ घर वापिस जाओ तुम। नहीं, मैं फिर से अपने घर वापिस नहीं जाऊंगा। अब मैं अपना दिमाग लगा के मैं अपना घर खुद बनाऊंगा। मैं चलती हूँ बुद्धिराम। ठीक है मैं जा रहा हूँ। कितना दिन हो गया है मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? ओहो, क्या मैं करूँ, कहाँ ढूंढूँ अपने भाई को, कहाँ गया वो? भाई को वापिस लाना होगा, जा रहा हूँ उसे ढूंढने। पता नहीं कहाँ गया वो, कहाँ ढूंढू मैं उसे, क्या करूं समझ में नहीं आता। हाँ, जंगल के बीच में इतना सुंदर घर पहले तो कभी नहीं देखा मैं। जाके पूछता हूँ। ओ भैया, क्या देख रहे हो? हाँ? कौन 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 हो तुम? क्या आश्चर्य की बात है, जानवर जैसा सर है तुम्हारा। अरे अरे अरे, डरो मत भैया, डरो मत, मैं आपका बुद्धू राम हूँ। हाँ, बुद्धू राम? हाँ भैया, हाँ, मैं अब बुद्धू राम नहीं बुद्धी राम हूँ। ये घर जमीन जगह सब मेरा है, मेरा। ये सब कैसे हुआ है भाई? वो बहुत बड़ी बात है, आप मेरे भैया हैं तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये तो चमत्कार की बात है। हाँ, मैं जा रहा हूँ भाई। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो भैया? रुकिए रुकिए भैया, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, ये भी बुद्धिमान बनना है, जा रहा हूँ भाई। ओह, फिर से लालच, लालच के वजह से मेरे भैया विपत में ना पड़े। मुझे बहुत कष्ट है। ओ बन देवी, सुन रही है आप? सुनिए ना मेरा बात, ओ बन देवी। क्या हुआ है तुम्हें? वन देवी को क्यों बुला रहे हो? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम जाओ, वन रानी आएंगी तो उन्हें बताऊंगा।
अरे बाबा बताओ ना, मैं वन देवी को जाके बता दूंगी। बुलाने से हमेशा वन देवी तो नहीं ना आ सकती। तुम्हारे बुलाने से वो आ जाएंगी? ऐसी बात नहीं है, मैं इसी वन में रहती हूँ, इसीलिए वन देवी मुझे पहचानती है, इसीलिए मैं उनको बुलाऊंगी तो वो आ जाएंगी। लेकिन उन्हें ऐसे तो नहीं बुला सकते, कारण तो पता रहना चाहिए। तो फिर सुनो मेरी बात, मैं ना लोमड़ी जैसा बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें पता नहीं मेरा भाई यही बात बंदेवी को कहा था, और वो उसी वक्त फटाफट मेरे भाई को लोमड़ी का दिमाग दे दी। के बाद क्या हुआ पता है तुम्हें? मेरा भाई जमींदार बन गया। ओ, इसीलिए तुम लोमड़ी का सर मांग रहे हो? हाँ सच में। रुको, तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ मैं। क्या? आज से तुम बेवकूफ गधे जैसा बन के रहो, ये लो। ऐसा मत कीजिए। आज से तुम इस जंगल में गधों जैसा बेवकूफ बनकर घूमो, गधे की आवाज निकाल कर। देखी। तो फिर हम लोग क्या सीखे हैं यानी? किसी और को बेवकूफ बनाने से खुद भी बेवकूफ बन जाते हैं। हाँ तू ठीक बोल रही है। Thank you.